Hello everyone, welcome back. So in this particular video, we will solve CAT 21 log question. Total 3 question hai. Each slot mein 1 question aaya tha. 1, 2, 2, 3, so 1, 1, 1. Okay, so fair distribution of question, 1, 1, 1. Koi biasness nahi tha log ke question mein yahan pe. That is good part. Aur ye tha Ahmedabad paper set kya tha. So that's why this is the good things happened. So let's start the discussion. So this is the first question. Okay. Slot 1 ka I think question hai ye. Aur ye wala slot 2. Aur ye wala last wala slot 3. Okay. Main matlab systematic arrangement kiya hun. So solve karte hain ye question ko. Read karte hain pehle. 5 log 10 root under. Okay. 4 है यहां पे log 10 देन 100x ओके सिंपल क्या करते हैं अभी ब्रेक करते हैं पहला अप्रोच तो यही होता है कि क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे ब्रेक करेंगे अगर कुछ हमको क्लिक ना हुआ तो ब्रेक करते हैं एक स्टेप में फिर वहां से कुछ मुझे क्लिक होगा तो देखो ये 1 by में है तो यहां पे हम ब्रेक कर सकते हैं सो कैन वी राइट 5 minus log 10 root under 1 plus x plus 4 log 10 root under 1 minus x equal to log 1 to the base 10 minus log 10 root under तो देखो यहां 1 minus x square है तो can we write 1 plus x into 1 minus x okay ठीक है अब देखो log 1 0 हो गया तो 0 माइनस इसको और हम ब्रेक कर सकते हैं ऐसे log 10 root under 1 plus x plus log root under 1 minus x to the base 10 आई होप क्लियर होगा ये इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हैं ना अगर जैसे ये टर्म हो गया इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना 1 plus x root under 1 minus x और ये log सो याद करो वो log mn वाला फार्मूला ये प्लस है ठीक है आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा ये 0 है मैं इसको इरेज करता हूं इक्वल टू अब देखो यहां माइनस है ये टर्म एज इट इज रहेगा माइनस है यहां पे इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं माइनस में सो ये क्या हो जाएगा मेरा माइनस और ये भी हो जाएगा मेरा माइनस ठीक है तो ये हो गया 5 minus log 10 root 1 plus x plus 4 log 10 root under 1 minus x ये है x minus x कुछ cancel out हो रहा है क्या log 10 root 1 plus x अच्छा हाँ ये देखो ये term और ये term cancel out होगा तो we have right 5 plus 4 log 10 root 1 minus x इसको मैं इधर लेके आ सकता हूं क्योंकि ये टर्म और ये टर्म सिमिलर है plus log 10 root 1 minus x equal to 0 आई होप क्लियर हो गया ये अब देखो यहां से ऑल हम सॉल्व करते हैं ये प्रोडक्ट में मल्टीपल में है 4 तो कैन वी राइट इसको ऐसे यहां पे पावर 4 क्लियर है ये ठीक अब मेरा हो गया 5 प्लस log 10 root under 1 minus x का पावर 4 और log root under 1 minus x तो यहां पे हम एक और log का फार्मूला लगाते हैं मतलब ये वाला log m plus log n log mn ठीक तो 5 प्लस log root under 1 minus x power 4 into log sorry root under minus x ये हो गया देखो अब बेस सेम है पावर ऐड हो जाएगा तो यहां पे मैं 1 कर सकता हूं और इसको हटा दूंगा ये है पावर 1 इक्वल टू 0 वी हैव राइट log root under 1 minus x power 5 minus 5 okay and we have to find 100x so or simplify karte hain log
वन माइनस एक्स, ये बेस टेन हो गया, बेस टेन इसको मैं 15/2 लिख सकते हैं, आई होप क्लियर होगा, रूट 1/2 होगा, सो 5 तो 5/2 माइनस 5, ओके। अब ये पुराने वाला प्रॉपर्टी लगाते हैं, 1 माइनस एक्स 5/2 इक्वल टू 10^-5, क्लियर है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे x का वैल्यू चाहिए, सो ये पावर को मुझे रिमूव करना पड़ेगा, सो मल्टीप्लाई करते हैं 2/5 से दोनों साइड में पावर में, तो यहाँ पे भी 2/5 से मल्टीप्लाई और यहाँ भी 2/5 से मल्टीप्लाई, सो ये हो गया 5/5 कैंसिल, ये पूरा टर्म हो गया 1 माइनस एक्स इक्वल टू 10^-2, कैन वी राइट 1/100, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। नाउ सो एक्स इक्वल टू कितना हो गया, 1 माइनस 1/100, दैट इज 99/100, वी गॉट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वी हैव टू फाइंड 100x, सिंपली 100 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया 99, तो आवर आंसर इज 99 टिक्टा में था। तो ये रहा इसका सॉल्यूशन, राउंड वन क्वेश्चन तो नहीं बोल सकते बट डेफिनेटली राउंड टू क्वेश्चन, थोड़ा सा कैलकुलेशन था तो इसलिए राउंड टू क्वेश्चन, टाइम थोड़ा सा लग सकता है इसमें, मतलब 2 मिनट के आसपास, 2-2.5 मिनट, बट राउंड वन में हम लोग ऐसा क्वेश्चन देखते हैं कि जो 1.5 मिनट में लगे और श्योरिटी से मतलब इजिली हो जाए, तो ये राउंड टू क्वेश्चन था। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सेकेंड क्वेश्चन, वी हैव log 2 3 प्लस log 3 ओके माइनस 2 इक्वल टू देन 4x, ओके वेरी इजी क्वेश्चन, और ये रहा राउंड वन क्वेश्चन, क्यों, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी है ना, इस प्रॉपर्टी पे पास्ट में मतलब 21 के पहले भी कैट में क्वेश्चन आ चुके हैं, कौन सा प्रॉपर्टी है देखते हैं। देखो यहाँ पे log बेस 2 है, 3 प्लस log 3, 4 माइनस 2 है यहाँ पे, तो कैन वी राइट log 2 3 प्लस log बेस 3 हो गया 4 प्लस log 4 इंटू एक्स माइनस 1, ये हो गया इक्वल टू 2, ये माइनस में है, इसको राइट हैंड साइड में ले गया तो प्लस 2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ बेस 2 है, सो ये उड़ाने वाला प्रॉपर्टी, अब क्या होगा, 3 प्लस log 3, 4 प्लस log बेस 4 एक्स माइनस 1 इक्वल टू 2 का स्क्वायर मतलब 4, 3 4 ये हो गया 1, ठीक। अब ये फिर हम उड़ाने वाला प्रॉपर्टी लगाते हैं, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 4 प्लस log 4 एक्स माइनस 1 इक्वल टू 3^1, दैट इज 3, क्या होगा, ये कैंसिल माइनस 1, तो वी है वी एक, अभी देखो फिर से यहाँ पुराने वाला प्रॉपर्टी, एक्स माइनस 1 इक्वल टू 4^-1 इक्वल टू 1/4, तो एक्स इक्वल टू 1+1/4 दैट इज 5/4, तो एक्स का वैल्यू क्या फाइंड आउट करना है, 4x, सिंपली 4 से मल्टीप्लाई कर दोनों साइड में, तो ये 4x का वैल्यू क्या हो गया 5, we got answer 5, ये भी टिट्टा में था, so this is a very easy question, बस ये वाला जो प्रॉपर्टी है, कौन सा वाला, log a b equal to x, so a equal to b to the power x, इस प्रॉपर्टी का यूज करना था, क्वेश्चन सॉल्व करना था, so I hope this is clear to you, and if you like the video, then please do subscribe the channel guys, okay, this is the last question, ठीक है, यहाँ पे मुझे क्या फाइंड आउट करना है, ए मस्ट बी लाई रेंज, हमको ए का फाइंड आउट करना है, ठीक है, और वी हैव एक्सप्रेशन लॉग ए बेस 15, लॉग ए 15 32, ओके ठीक है, ब्रेक करते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है, कुछ ना समझ में आया लॉग में, सीधा ब्रेक करना है, स्टार्ट करना, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन डेफिनेटली आपको दिखेगा, लॉग 32, ओके log a by
log 15 into log a by log 32। ठीक है, यहाँ एलसीएम लेते हैं, ये क्या हो सकता है, log 15 इंटू log 32, तो वी हेयर log 32 इंटू log a प्लस, ये log a को मैं कॉमन भी ले सकता था, ठीक है ना, चलो इस स्टेप में लेंगे log a इंटू log 15 डिवाइडेड बाय log a स्क्वायर बाय log 15 इंटू log 32, log 15 इंटू log 32। देखो इसको ब्रेक किया, यहाँ पे देखो मुझे समझ में आ गया, ये दोनों कैंसिल आउट होगा, ठीक है। तो देखो ब्रेक करने से ना log के जो भी क्वेश्चन हो ब्रेक करो, सॉल्यूशन दिखने लगेगा अपने आप। बस एक ये टर्म फंडामेंटल थिंग याद रखना, पॉइंट log के क्वेश्चन है, बस ब्रेक करना है। अब मेरा क्या हो गया, log ये कॉमन ले सकते हैं, log 32 प्लस log 15 डिवाइडेड बाय log a का स्क्वायर, log a स्क्वायर कैंसल, ठीक है, ये प्रोडक्ट होगा दोनों, log रूल 32 इंटू 15 बाई log a इक्वल टू, में 4 था तो मैं 4 लिखना भूल गया, 4 4 इक्वल टू 4, यहाँ पे डबल डबल हो गया है, ठीक है। सो वी हैव log 15 टू 30 03 45 48, log 480 इक्वल टू 4 इंटू log a, तो a का पावर 4 इक्वल टू 480, तो a का 480 कितना हो गया, 1/4। तो a का रेंज क्या हो सकता है, अब देखो 1/4, 3 का पावर 4 क्या होगा, 81, ठीक है, ये तो 3 से बहुत ज्यादा है, 4 का पावर 4, 4 का पावर 4 जो होगा वो कितना हो सकता है, मतलब 256 होगा ना, और 5 का पावर 4 कितना होगा, 625। सो हाँ ठीक है ना, अब ए का वैल्यू किससे किसके बीच में हो सकता है, ऑप्शन देखते हैं, 2 3, नहीं 4 5, 4 5 के डेफिनेटली बीच में हो सकता है, ठीक है, ए लेस देन 5, नहीं 5 से तो लेस है लेकिन मतलब एक एग्जैक्ट नहीं है कितने से लेस, और मतलब एकदम पूरा लेस ये नहीं हो सकता ना, क्योंकि लेस देन 5 में तो 2 भी हो गया, 1 भी हो गया, कुछ भी हो सकता है, तो ये नहीं होगा, 3 से 4 के बीच में नहीं, सो ऑप्शन बी, और ये भी ट्रू ही है, ए का वैल्यू हम 4 रखेंगे, ए का वैल्यू यहाँ 4 रखा तो कितना होगा, 256, और 5 रखा तो 625, ये दोनों के बीच में कहीं 480 आ रहा है, ये 480, सो ऑप्शन बी इज आवर आंसर। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू गाइज, नॉट वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है, बस यहाँ पे समझना था कि हाँ कैसे मैं मतलब इसको रेंज के टर्म में ले सकता हूँ, बस यही एक पॉइंट था, पर ये भी कुछ ज्यादा इम्पोर्टेंट डिफिकल्ट नहीं था, आपको अब क्वांट कर रहे हो बेसिक, ठीक है, सो आपको ये चीजें भी क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। सो मिलते हैं 22 के लॉग के सॉल्यूशन के साथ, बाय बाय गाइज, एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज डू सब्सक्राइब, आई नीड सम मोटिवेशन इन टर्म्स ऑफ सब्सक्रिप्शन, सो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड, तो बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।